हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी को स्वागत है। आज हम कंस्ट्रक्शंस में, तो देखिए ये एक प्लान है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो कंसिडर करता है 2 BHK, बेडरूम हॉल किचन। यहाँ पे एक बेडरूम, ये दूसरा वाला बेडरूम है, इधर एक किचन हॉल, ये डाइनिंग एरिया, कॉमन डर्टेन बाथ। ऑफसेट 2 फीट का छोड़ा गया है, यहाँ पे भी 2 फीट का ऑफसेट है। पैसेज एरिया 3 फीट 3 इंच का, पार्किंग 14 फीट 4 इंच x 9 फीट का। तो आप सभी से दरकार है कि सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल असम कंस्ट्रक्शंस को, और इसी तरह से नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बात करते हैं हम इस प्लान के बारे में। इस प्लान में कंसिस्ट करते हैं पूरे, इसका प्लान इस तरह से, यहाँ से रोड है, यहाँ एंट्रेंस पे रोड, पार्किंग एरिया 14 3x9 फीट का पार्किंग एरिया, इसके अंदर एक कुआ बोरवेल रहेगा, पैसेज 3 फीट 3 इंच का पैसेज रहेगा, हॉल 10 3x15 फीट का एक हॉल, यहाँ सीधे एंटर होते हैं बेडरूम नंबर 2, 10 3x10 9 का जो है बेडरूम नंबर 2 है। डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे किचन आ जाएगा, यहाँ पे बेडरूम आ जाएगा 11 3x10 9 का जो है बेडरूम, और टॉयलेट रूम यहाँ पे कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, एंड इधर डाइनिंग एरिया किचन, यहाँ पे चाहे तो आप पूजा रूम भी ले सकते हैं। तो पूजा रूम इस तरह से ले सकते हैं, जैसा इधर पूजा रूम ले सकते हैं, यहाँ किचन, ये काफी पॉपुलर प्लान है और सभी जगह। अभी ऑफसेट के बारे में बात करते हैं अपन, तो देख सकते हैं इधर एक विंडो ले सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो जिसका साइज 5x4 फीट का ले सकते हैं, और ये बेडरूम नंबर 2, 10 3x10 9 का बेडरूम रहेगा। यहाँ पे एक विंडो, इधर एक विंडो आ जाएगा, फिर उसी तरह किचन, इधर पूजा रूम लिए तो यहाँ पे सर्कुलर शेप में विंडो ले सकते हैं। ये किचन 11 3x6 फीट का किचन कम डाइनिंग एरिया, एक किचन और डाइनिंग एरिया है, ऑफसेट 2 फीट का, इधर कॉमन टॉयलेट एंड बाथ 7x4 का जो है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ रहेगा। ये बेडरूम 11 3x11 9 का ये बेडरूम रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे पीछे ऑफसेट का जगह छोड़ा गया 2 फीट का, और ये बेडरूम नंबर 2, 10 3x11 9 का बेडरूम रहेगा। और आपको प्लान चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर 8095615113। आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप अपना ईमेल एड्रेस कमेंट कर दीजिए, नीचे बॉक्स में आपको सेंड कर देते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना, और अभी मैं आपको कॉलम पोजीशन दिखा दूंगा कहाँ कहाँ पे कॉलम्स आ जाएगा। तो देखिए कॉलम्स यहाँ पे कॉलम, ये दूसरा तीसरा, इधर फोर्थ नंबर ऑफ कॉलम, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इधर फिफ्थ, यहाँ पे सिक्स्थ कॉलम, ओके, यहाँ पे 7th कॉलम, 8th कॉलम, इधर 9, 10, 11 और इधर जो है 12 नंबर ऑफ कॉलम्स। टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम आ जाएंगे इसमें। और बहुत ही बेहतरीन डिजाइन आ जाएगा इसमें, बहुत खूबसूरत दिखता है। एंड इसे बनाने में कितना खर्चा आ सकता है, तो देखिए इसे बनाने के लिए आपको करीब 16 लाख का खर्चा आ जाएगा, 12 लाख से 16 लाख तक। अगर आप फर्नीचर वो सब बनाना चाहते हैं तो करीब करीब 15 लाख का, 20 से 22 लाख तक खर्चा आ जाएगा। अच्छा एकदम मॉडर्न न्यू टिप टॉप बनाना चाहते हैं तो एक सुझाव है आपको, यहाँ पे कुछ भी ना ले, जैसा ये ओपन रख लीजिए, इधर कोई कंबाइंड नहीं रहेगा, यहाँ पे ओपन रहेगा, इधर कोई कंस्ट्रक्शन रहेगा, दोनों इस दीवार को क्या है हटा दीजिए आप, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन। और पीछे 2 फीट का ऑफसेट कंपाउंड वॉल छोड़ के है, यहाँ पे भी 3 फीट का पैसेज है कंपाउंड वॉल छोड़ के, यहाँ पे 2 फीट का ऑफसेट, इधर एक छोटा सा विंडो दरवाज़ा ले सकते हैं डाइनिंग एरिया में, एंड स्टेयरकेस के लिए जगह 3 फीट का स्टेयरकेस छोड़ा गया है, इधर इधर क्या है 15 फीट है,
मतलब 3 साढ़े 3 फीट लैंडिंग आ जाएगा, और बाकी का जो है 10 से 12 11 फीट तक जो है उसमें स्टेप्स आ जाएंगे इस तरह का यहाँ पे कुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।